स्वागत है आप सभी का एक नए टॉपिक पर, जो टॉपिक है हमारा प्लास्टिक। तो आज हम लोग प्लास्टिक के बारे में विस्तृत तरीके से, बहुत डीपली तरीके से इसको पढ़ेंगे प्लास्टिक को, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे प्लास्टिक को, हाई स्कूल, इंटर, डिप्लोमा या बीटेक, इन सभी में एक आपका कॉमन टॉपिक आ जाता है प्लास्टिक। और प्लास्टिक कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन से भी जुड़ा हुआ होता है। जैसा आपने देखा होगा, कई बार पानी की बोतल भी खरीदते हैं तो वो भी प्लास्टिक की बनी होती है। अगर चाय पीने का जो कप है वो भी प्लास्टिक का बना हुआ होता है। तो कई ऐसे वस्तुएं भी हैं जो कि हमारे जीवन में उनका काफी महत्वपूर्ण स्थान है, और वो वस्तुएं क्या है, वो प्लास्टिक की बनी हुई है। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्लास्टिक। तो प्लास्टिक किसे कहते हैं? प्लास्टिक एक विशेष कार्बनिक पदार्थ है जिसको कम ऊष्मा देकर आसानी से किसी भी आकृति में ढाला जा सकता है। यदि हमें प्लास्टिक को किसी भी आकार में बदलना है तो उसको थोड़ा सा आप गर्म कर दीजिए, और यदि आप उसको प्लास्टिक को थोड़ा सा गर्म कर देते हैं तो उसमें कुछ अपने आकार को परिवर्तित करने के कुछ उसमें प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो आप जब भी उसके आकार को बदलना चाहें तो क्या करते हैं, थोड़ी सी उसमें गर्मी को देते हैं। अब यदि बात करें कि प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक एक प्राकृतिक अथवा कृत्रिम बंधकों में मोल्डिंग यौगिक मिलाकर या फिर बिना मोल्डिंग यौगिक के ही इसको निर्मित किया जा सकता है। यदि आप प्लास्टिक बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, या तो आप उसमें कृत्रिम बंधक का इस्तेमाल करेंगे या फिर सिंथेटिक बंधन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिना बंधक के भी आप प्लास्टिक को बना सकते हैं और बंधक के साथ भी प्लास्टिक को बना सकते हैं। आपने प्लास्टिक में कुछ विशेष गुणों के कारण इसका इंजीनियरिंग लाइफ में या इंजीनियरिंग क्षेत्र में इसका काफी महत्वपूर्ण योगदान हो गया है। यदि बात करें कि प्राप्ति के आधार पर प्लास्टिक को दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है आपका नेचुरल प्लास्टिक, जिसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक प्लास्टिक। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह प्रकृति से पाया जाता होगा, मतलब प्रकृति में स्वतंत्र रूप से यह प्लास्टिक पाया जाता होगा। सेकेंड प्लास्टिक आता है सिंथेटिक प्लास्टिक, यह है कृत्रिम प्लास्टिक। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको मनुष्यों के द्वारा, मानव के द्वारा इसको निर्मित किया जाता है, इसलिए इसको कृत्रिम प्लास्टिक कहते हैं। और कृत्रिम प्लास्टिक को कई भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है आपका फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड, सेकेंड आ जाता है नाइलॉन, विनाइल क्लोराइड, यूरिक फॉर्मेल्डिहाइड, ये सभी कृत्रिम प्लास्टिक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि नेचुरल प्लास्टिक क्या है। तो नेचुरल प्लास्टिक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्लास्टिक, यह खनिज तेलों से प्राप्त किया जाता है। यह मुख्य रूप से राल, चपड़ा, बिटुमिन आदि से इसको प्राप्त किया जाता है। प्लास्टिक तैयार करने के लिए इसमें फिलर मटेरियल का, जिसे कहते हैं पूरक पदार्थ का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सभी जो प्लास्टिक हैं, ये प्राकृतिक प्लास्टिक के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात करते हैं कृत्रिम प्लास्टिक।
सिंथेटिक प्लास्टिक। यह प्लास्टिक कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। इसको तैयार करने के लिए सर्वप्रथम बहुलीकरण क्रिया के द्वारा राल बनाई जाती है और इसे पूरक पदार्थ के साथ मिलाकर प्लास्टिक को तैयार किया जाता है, जिसमें कृत्रिम प्लास्टिक के कई पार्ट हो जाते हैं। पहला आता है आपका फॉर्मल्डिहाइड। अगर हमें इस फॉर्मल्डिहाइड को बनाना है तो किससे बनाते हैं? कोल टार, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन, इन सभी चीजों से फॉर्मल्डिहाइड को आप बना सकते हैं। और यदि बात करें नायलॉन, तो नायलॉन का जो उत्पादन है वो कोयले के आसवन विधि के द्वारा ही इसको बनाते हैं। विनाइल क्लोराइड, इसको नमक, कैल्शियम कार्बाइड एवं एल्कोहल के द्वारा इसको बनाया जाता है। तो ये सब क्या है? प्लास्टिक प्राप्ति या स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर प्लास्टिक को दो भागों में बांट दिया। पहला आपका जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्लास्टिक, और सेकेंड आ जाता जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। अब इसमें से हम लोग बात करेंगे कि प्लास्टिक को यदि क्लासिफिकेशन की बात की जाए कि प्लास्टिक को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो है दो प्रकार के प्लास्टिक हो जाते हैं। पहला आता है आपका थर्मोप्लास्टिक और सेकेंड आ जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब ये थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते क्या है? ये वे प्लास्टिक हैं जिनको थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक हैं जिनको ताप देने पर यह मुलायम हो जाते हैं और ठंडा करने पर यह पुनः कठोर हो जाते हैं। इस प्रकार की प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। इनको ताप देकर पुनः मुलायम किया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक मात्र 140 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म होकर मुलायम हो जाते हैं। मतलब आप यदि उसको 140 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान देते हैं तो वह प्लास्टिक क्या है? आसानी के साथ मुलायम हो जाएगा। इस प्रकार के प्लास्टिक के अणुओं के बीच बंधन कमजोर हो जाते हैं। बंधन क्या है? प्लास्टिक के कणों को बांधने वाला एक पदार्थ जिसे कहते हैं बंधन। इसलिए इसको बार बार गर्म करके भी आकृति में ढाला जा सकता है। इसी गुण के कारण प्लास्टिक को टूट फूट, जो प्लास्टिक की टूट फूट है उसको गर्म करने के बाद उसको फिर से उपयोगी बना सकते हैं। मतलब आपको जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसके यदि कई टुकड़े कर दिए जाएं और फिर इसी प्लास्टिक को फिर गर्म करके इसकी आकार को हम लोग आसानी से बदल सकते हैं। मुख्य रूप से जो आपका थर्मोप्लास्टिक के बाद सेकेंड आ जाता है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आ जाता है सेल्यूलोज एसीटेट। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत आता है आपका सेल्यूलोज एसीटेट। सेल्यूलोज को एसिटिक अम्ल से क्रिया कराने पर यह प्लास्टिक प्राप्त होता है। यह प्लास्टिक अच्छे यांत्रिक गुण रखता है। इस प्लास्टिक में नमी को सोखने के गुण होते हैं। इस प्रकार के प्लास्टिक को आसानी से किसी भी रंग में इसको बदल सकते हैं। इसका उपयोग कहां करते हैं? इस प्रकार का जो प्लास्टिक है, कौन सा आपका? सेल्यूलोज एसीटेट प्लास्टिक का उपयोग बिजली के तारों पर कोटिंग करने के लिए, आवरण चढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। खिलौने, पैकिंग, फोटोग्राफी की फिल्में आदि का निर्माण करने के लिए सेल्यूलोज
स्टेट प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर यदि बात करें, एक और प्लास्टिक आता है जो कि आपका कृत्रिम प्लास्टिक के अंतर्गत आ जाता है, सेल्यूलोज नाइट्रेट। सेल्यूलोज नाइट्रेट क्या है? सेल्यूलोज की नाइट्रेट या सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर इस प्रकार का प्लास्टिक प्राप्त होता है। यह नमी का उच्च प्रतिरोधी तथा आग शीघ्र पकड़ने वाला प्लास्टिक होता है। इस प्रकार की प्लास्टिक में बहुत शीघ्रता से आग लग जाती है। इसमें चिमड़ता के भी अच्छे गुण होते हैं। इसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं? टेबल टेनिस की बॉल बनाने के लिए, पेन की बॉडी, खेल के सामान, चश्मे के फ्रेम इत्यादि सेल्यूलोज नाइट्रेट के बनाए जाते हैं। तो ये आपका कृत्रिम प्लास्टिक के अंतर्गत आ जाता है। अब इसके बाद तीसरा जो पदार्थ है वो कि आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत आ जाता है, जिसे कहते हैं एथिल सेल्यूलोज। तो एथिल सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज के द्वारा आसानी से बनाए जाने वाले प्लास्टिक में ये सबसे कम वजन वाला प्लास्टिक होता है। यह अच्छी सामर्थ्य रखता है तथा रासायनों की अच्छी प्रतिरोधकता इसमें पाई जाती है। इसका उपयोग हौज के नोजल, जिग एवं फिक्सर तथा प्लास्टिक लेपन पदार्थों के आधार पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार के जो प्लास्टिक है, इसका हम लोग कई जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद आ जाता है आपका सिलिकॉन, पॉलिस्टर, यूरिक फॉर्मल्डिहाइड, ये सभी आपके कृत्रिम प्लास्टिक के अंतर्गत आ जाते हैं। यदि हम लोग बात करें कि प्लास्टिक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो पहला आ जाता है कि नंबर पहला है कि इसको आसानी से किसी भी आकृति में ढाला जा सके। यदि हम चाहें कि प्लास्टिक को किसी भी आकृति में हमें बदलना है तो हम आसानी से इसको बदल सकते हैं। सेकेंड, इसका वजन काफी कम होना चाहिए। थर्ड आ जाता है, यह विद्युत रोधी होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यह ऊष्मा के रोधी होने चाहिए। इन पर संक्षारण का कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए, मतलब प्लास्टिक में कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन ना हो जिससे उसकी बॉन्डिंग कमजोर होती जाए या फिर टूटने की कगार पर आ जाए। तो ये क्या है? प्लास्टिक संक्षारण रोधी होना चाहिए। इनमें संक्षारण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सामान्य तौर पर यह अम्लों तथा क्षारों के साथ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। यदि आप कोई भी तेजाब या कोई आपका अम्लीय मूलक हो, चाहे वो आपके क्षारीय मूलक हो, इन सभी को आप आसानी से प्लास्टिक के अंदर रख सकते हैं। नेक्स्ट इसी में पॉइंट आ जाता है, इसको किसी भी रंग में आसानी से तैयार किया जा सकता है। यह पारदर्शी भी बनाए जा सकते हैं, मतलब यहां पर यदि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें तो इसको हम लोग ट्रांसपेरेंट पारदर्शी भी बना सकते हैं। इसमें अच्छी सतह फिनिशिंग भी प्राप्त होती है। आपने देखा होगा प्लास्टिक के कोई भी बर्तन होते हैं तो उनमें आप प्रॉपर फिनिशिंग ला सकते हैं। इन पर अच्छा सतह परिष्करण होता है। इनमें तेल तथा नमी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब यदि आप उस प्लास्टिक के ऊपर पानी डाल दें तो भी वो खराब नहीं होगा, और यदि आप उस पर कोई तेल वगैरह गिरा दें तो भी वो खराब नहीं होगा। यह घिसन प्रतिरोधी भी होते हैं। प्लास्टिक में कुछ और अतिरिक्त गुण प्रदान करने के लिए प्लास्टिक के अंदर बहुत सारे केमिकल्स को मिलाया जाता है, जिसमें हम लोग मन चाहे गुणों को प्लास्टिक के अंदर डाल सकते हैं और उस प्रकार के प्लास्टिक का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको प्लास्टिक टॉपिक सरल और आसान भाषा में समझ में आया होगा। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को
सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ में उनसे भी कहिएगा भैया वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्लास्टिक टॉपिक सरल और आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।